आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नया चैप्टर जो है कि जीआईडी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ना इससे रिलेटेड जो बीमारियां ना वो पढ़ी है, ठीक। अब ये होता क्या, थोड़ा सा इसको ना दिया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन, वो कहता है एक तो ये ना कम्प्लेक्स काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपके स्टार्ट होता है माउथ से, फिर आपका एसोफेगस, फिर आपका स्टोमिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है। साथ में फिर लीवर, पेंक्रियाज जो इसके साथ आपके क्या होते हैं अटैच होते हैं। इसका काम क्या है कि जो भी हम खुराक खाते हैं ना उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेना और जो फालतू चीज़ें उनको बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। ये एक हमने एनाटॉमी चीज़ों में काफ़ी जगह पर यह पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों बीमारियाँ, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं बच्चों GERD, गैस्ट्रो, ठीक है, एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, ठीक है। ये हम अगर सादा अल्फाज में कहूँ ये क्या होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो खाना खाने के बाद ना उनके सीने में जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज कहते हैं। अब अगर इसके हम साइंस को पढ़ें तो क्या होता है कि बच्चों हमें पता है, देखो ये आपका है एसोफेगस, ठीक है, और ये है बच्चों आपका स्टोमिक, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है जो इसको क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है। क्यों, हमें पता है कि स्टोमिक में क्या होता है, बड़ा एसिडी वाला में होल होता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, किसी भी वजह से अगर ये स्फिंक्टर क्या हो गया, लूज हो गया, तो क्या होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, तो यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किधर आ जाएंगे आपके एसोफेजियस में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये तेजाबियत वाला होता है तो ये सारी इसकी दीवारें क्या हो जाएंगी, उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जलन टाइप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, GERD, गर्ड या गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हम इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसके काज क्या है, इसकी रीजन क्या, वो कहता है कि इसकी जो रीजन है ना वो मैंने बताई है कि किसी रीजन की वजह से ये जो स्फिंक्टर है ना ये लूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोमिक वाले कंटेंट है ना वो किधर आ जाते हैं आपके एसोफेजियस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फील होना पड़ता है। अदर इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, हर्निया हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कहता है कि ओबेसिटी, बंदा बहुत ज्यादा मोटा है, या फिर प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा स्मोकिंग बंदा करता है या कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से हमें ये हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहला सिम्टम है बच्चों हार्ट पर सीने में जलन महसूस हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है रीवेजिटेशन, इसका ये मतलब है कि उसको ना खट्टी डकारें हैं, ये गंदी जिस तरह कहते हैं ना, वो उसको मुँह में महसूस हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर चेस्ट पेन, उसको चेस्ट में भी पेन होगा, और हम इसको फिर ना इसको रूल आउट करते हैं कि आया ये कोई हार्ट की बीमारी की वजह से तो नहीं है जो चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। उसको रूल आउट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि नहीं ये तो किस वजह से है, खाने पीने की नाली की वजह से, ठीक। तीसरे नंबर पे डिफ़िकल्टी इन सवॉल्विंग, उसको ना चीज़ें जब वो खाना वगैरह खाएगा ना, जब निकलेगा ना तो उसको नाली में क्या हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, ठीक है, ये भी इसका एक सिम्टम है। दूसरा है उसको कफ भी हो सकती है, क्रॉनिक कफ, या उसकी आवाज़ भी हॉर्नेस उसमें आ सकती है, ये इसके कॉमन क्या होंगे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब इसका डायग्नोज हम कैसे करेंगे, वही हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री जिसमें कहते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी बच्चों क्या होता है, एक कैमरा है, कैमरा उसको हम डालेंगे मुंह के जरिए आपके स्टोमिक पर, देखेंगे दीवारों को कि कहाँ से इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहाँ पे वो अल्सर वगैरह बने हुए, ये सारी चीज़ें हम एंडोस्कोपी के जरिए क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम उसका एक्सरे, ठीक है, या सीटी स्कैन करवा के तो हम तब भी देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया, सिम्टम्स भी हो गए, डायग्नोज कैसे करते हैं पता चल गया ना, ठीक है। अब इसको इलाज कैसे करें, इलाज में बच्चों सबसे पहले आ जाती है लाइफ मॉडिफिकेशन, ठीक। हमने उसकी कुछ मतलब चीज़ों का परहेज करवाना है, कुछ चीज़ें हमने क्या करनी बंद करवानी, जैसे कि सबसे पहले है डाइटरी चेंज। हमने उसे कहेंगे कि आपने आज के बाद ना तली हुई चीज़ें या स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी,
उनसे क्या करना है, तो आगे करना है। अगर वजन ज़्यादा है तो हम उसका वजन क्या करवा देंगे, काम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद है कि उसे कहना है कि सोते टाइम ना सर को थोड़ा सा उठा, मतलब दो तकिए इस्तेमाल करें ताकि वो जो कंटेंट है ना वो वापस ना आए, ठीक है। दूसरा हम ये भी कहते हैं खाना खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, आपने थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेनी है या बैठ कर, ठीक है। और उससे कहना है कि आपने ना पेट भर के खाना नहीं खाना, थोड़ा सा खाली रखना है मैदे को, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको हमने बंद करवा दें, ठीक है। मेडिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, PPI यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, जिस तरह राइजिंग वगैरह है, ठीक है, वो देंगे। और साथ में हम एंट एसिड वगैरह देंगे ताकि उसके मैदे की तजाबियत भी ख़त्म हो और मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो सके, ठीक है। ये हम चीज़ें दे रहे होते हैं और प्री काइनेटिक एजेंट भी देते हैं ताकि जो एसोफेजियस की एक्टिविटी है ना वो रिटेन अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। समझ आ गई है क्या होती है गर्ड? ये ये नाम नहीं आते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, नाम नहीं आएगा तो फिर करो, ठीक है ना। नाम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी है या और भी पढ़ते हैं? अच्छा, और फिर अगला जो टॉपिक है वो है बिल्कुल पेप्टिक अल्सर, क्या है पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो आपकी लाइनिंग है ना वो आपके मतलब एसोफेजियस में या फिर क्या कहते हैं स्टोमिक में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में क्या हो जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे, जख्म हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं पेप्टिक अल्सर कहते हैं। वो कहते हैं इसका जो प्राइमरी काज है ना वो है इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, ठीक है, इसका इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके जो मैदा है ना उसकी लाइनिंग या आँख की लाइनिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि अगर एक बंदा काफ़ी टाइम से पेन किलर इस्तेमाल कर रहा है, डिक्लोमान वगैरह, इससे क्या होता है ये हमारे जो मैदा है या आँते हैं ना उनकी लाइनिंग को क्या करती है, ख़राब करती है, जिसकी वजह से ज़ख्म हो जाती है, ठीक। अच्छा जी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा तेजाब प्रोड्यूस होगा, वो फिर हमें प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वही चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, उसके बाद बर्निंग स्टोमिक पेन हो सकता है, और उसके बाद ब्लोटिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, और जो स्टूल होगा ना वो डार्क होगा, वो इस बात की निशानी है कि जिस्म में क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। डायग्नोज हम कैसे करेंगे, वही उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे और एंडोस्कोपी करेंगे, मुंह के जरिए कैमरा डाल के देखेंगे कि कहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और एच पायलोरी के लिए टेस्ट करवाएंगे ना, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसका हम इलाज करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, एच पायलोरी के लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एच पायलोरी इन्फेक्शन है ना तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, साथ में हम वो PPI देंगे जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर वगैरह होते हैं, वो एंट एसिड देंगे हम, ठीक है। और अगर पेन किलर यूज़ करता है तो उसको बंद करवा देंगे, या आपने पेन किलर आप यूज़ नहीं करने, लाइफ मॉडिफाई करवाएंगे, मतलब स्मोकिंग नहीं लेनी आपने, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल नहीं, काफ़ी है, ये दो टॉपिक हो गए, कल नेक्स्ट टाइम हम ये कर देंगे।